वेलकम फ्रेंड्स टू ब्रह्मास्त्र सिक्स सो आई होप अभी तक के जितने भी ब्रह्मास्त्र हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव आप उसको प्रॉपरली क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं वो एन की रीडिंग के साथ कंप्लीट कर रहे हैं तो आइए चलिए बढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र सिक्स की तरफ ठीक तो है NOH, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मोलारिटी ऑफ टेन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एन्यू तो हमें डायरेक्टली मोारिटी ढूंढना है तो मुलारिटी का सिंपल सा फॉर्मूला रहता है दैट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर वॉल्यूम ऑफ़ सॉल्यूशन एम में दे रखा है तो मैं सिंपली थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे टेन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है तो जब भी परसेंटेज दे रखा होता है तो हमें यह मानना है कि आउट ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड क्या चीज़ रहेगी तो डिनोमिनेटर पर ध्यान देना तो वॉल्यूम हंड्रेड एम है उसमें टेन परसेंट वेट एन प्रेजेंट है सो so, बस हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हंड्रेड एम एल के लिए वेट जो रहेगा वो टेन ग्राम है तो मैं मोल्स एन के ढूंढ सकता हूँ एन के मोल्स टेन डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास एन का आप देखने जाएंगे तो फोर्टी रहता है ठीक है बहुत कैलकुलेटिवली है ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन और वन ठीक है फोर्टी हो गया अब मैं इधर सब्सिट्यूट करूंगा फॉर्मूले में तो टेन डिवाइडेड बाई फोर्टी इज़ द मोल्ड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हंड्रेड एम है इसीलिए मैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो गए एक जीरो यहाँ से चला गया फोर नीचे आ जाएगा तो टेन बाई फोर टेन बाई फोर इज टू मोलैरिटी ठीक है सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज टू पॉइंट फाइव मोलरिटी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी अभी वाले ब्रह्मास्त्र की सीरीज में स्पीड अच्छी होगी सो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा रिविजन प्रॉपरली हो चुका है एनसीआर टी की रीडिंग पास आ रही है टाइम हमारे एग्जाम का सो मोटिवेशन एकदम हाई ही रहना चाहिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर दो केसेज होते हैं का तो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा होगा कहाँ तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा कमेंट में भी आप अपने से पहले मुझसे पहले सॉल्व करने से पहले ट्राई करिए आप आंसर खुद ही बताए अगर आप ध्यान दें तो हेक्गजेन और हेप्टेन जो रहते हैं वो दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है तो वो पॉजिटिव डिविएशन ना तो नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे होते हैं सेम गोज़ विथ बेंजीन एंड टॉलिन सेम गोज विद ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन क्योंकि दोनों एल्कैलाइट फैमिली के हैं तो ये तीनों पार्ट जो रहते हैं वो आइडियल सोल्यूशन का पार्ट रहता है बट फिनॉल और एनीलिन जो रहता है क्योंकि तो फिनॉल अपने साथ क्या सॉल्व क्या बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है एच बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा होता है पर अगर उसके अंदर एनीलिन लाऊंगा तो वो ज़्यादा ग्रेटर एच बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा होगा सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिनॉल एंड एनीलिन ठीक है so, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन तो हमें मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी ढूंढना है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू इज़ टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ठीक है ये टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री नहीं होगा टू इंटू टेन की पावर माइनस एट बार रहेगा ठीक है एंड टू नाइनटी एट टेम्परेचर के ए नहीं के एच वैल्यू के एच स्टैंड फॉर हेनरी कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर सी ओ टू एज सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की बार माइनस फोर तो हम सबको दिख रहा है कि हमें हैनरीज कॉन्स्टेंट यूज़ करना है सो हेनरी कॉन्स्टेंट बोलता था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू हैंनरीज कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट तो सीधे सीधे हमें सोलिबिलिटी ढूंढना है सॉल्युबिलिटी को ही हेनरी ने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा था तो मैं यहाँ पे जब सब्सटीट्यूशन करूँगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्युबिलिटी इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ़ गैस डिवाइडेड बाय हैनरी कांस्टेंट ठीक है तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली टू इंटू की पावर माइनस दे रखी है डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट की पावर माइनस फोर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा फिर भी माइनस से छोटा रहेगा तो माइनस का फैक्टर तो रहेगा ही टू डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू अगर टू डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू करेंगे हम सो ये फेयरली इनफ पॉइंट थ्री थ्री टू के क्लोज आएगा ठीक है एक बार आप चेक करना वन वन बाई थ्री हो जाएगा मैं इसको रफ लमसम वन बाई थ्री मानता हूँ वन बाई थ्री पॉइंट थ्री 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 सम के क्लोज uh, आएगा तो टेन की पावर माइनस फोर हुआ अब मैं माइनस फोर को एक डेसिमल आगे एक्सप्रेस करूंगा तो थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ठीक है यूनिट लेस होगा यूनिट लेस होने का रीजन आप सभी को पता चल रहा है क्योंकि वहाँ पे भी बार है और वहाँ पे भी बार है तो बार बार कैंसिल हो जाएगा सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन की बार माइनस फाइव ठीक है तो थोड़ा यहाँ पे माइनस फाइव रहेगा ठीक है तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है ओके okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पॉइंट फाइव मोलैरिटी एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड सी एस सी सी यू एच एसिडिक एसिड हैविंग टू पी एच एट टेम्परेचर टी इज तो टी और आर के टर्म्स में हमें फाइनल आंसर बताना है पी एच हमारा टू रहेगा सो ये पी एच की वैल्यू क्यों दे रखी है पहले तो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी तो हमें वेंट ऑफ फैक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है अब अगर हम ध्यान से देखें तो कंसनट्रेशन हमें दे रखा है दैट इज पॉइंट फाइव आर इज एड एज इट इज एंड टी को तो ऐसे ही रखना है सो पूरा गेम है आई को ढूंढना सो हमें पता है आई का केस जो रहता है आई इज इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन एल्फा दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इन वाटर डन जहाँ पे एल्फा होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है एन हमें बताता है कितने आयन्स में डिसोसिएट हो रहा है सो एसिटिक एसिड दो आयन्स में डिसोसिएट होता है ch3co और एच में सो so, एन की वैल्यू तो टू हो गई तो आई इज 2 टू वन सो आई इज इक्वल्स अब सारा खेल ढूंढने का है थोड़ा बचपन के प्यार से उठ के बोर्ड का टाइम आ गया है तो थोड़ा सा हम बचपन के कॉन्सेप्ट को याद करते हैं so सो पी एच इसीलिए दे रखा है कि पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस देखो ये ब्लू से इसीलिए मार्क करा है कि थोड़ा इलेवेंथ रिलेवेंट है हमारे लिए सो टू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस सो एच प्लस का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टेन की पावर माइनस टू डन एक और चीज हमने सीखी थी कि एच प्लस का जो कंसनट्रेशन होता है वो अल्टीमेटली सी अल्फा होता है सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ़ गिवन एसिड एंड एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सो टेन की पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू पॉइंट फाइव इंटू एल्फा सो आप यहाँ से एल्फा ढूंढ सकते हैं तो टेन की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई फाइव इंटू टेन की पावर माइनस वन ठीक है पॉइंट फाइव को मैंने ऐसा एक्सप्रेस कर दिया वो माइनस वन ऊपर जाएगा तो इट विल बी टेन की पावर माइनस वन और वन बाई फाइव ही रखते हैं. तो वन बाई फाइव इज इज नथिंग बट पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस वन तो वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ज़ीरो टू ये हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई पॉइंट जीरो टू ठीक है थोड़ा कैलकुलेटिव है आगे देखते हैं तो आई इजिक्वल्स टू वन प्लस पॉइंट जीरो टू तो हम ऐड करेंगे तो वन पॉइंट जीरो टू विल कम टू बी आई अब आई को यहाँ सिंपली हमें सब्सिटिट्यूट करना है सो so, आई अब वन पॉइंट ज़ीरो टू इं पॉइंट फाइव आर टी मैं पॉइंट फाइव को वन बाई टू लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर तो वन पॉइंट जीरो टू इंटू वन बाई टू इंटू आर इंटू टी ठीक है इसको कैलकु कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट फाइव ठीक है और वन ठीक है पॉइंट फिफ्टी वन इंटू आर टी तो दिस इज़ आर फाइनल आंसर सो आपको दिखे रहा है किससे कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट फिफ्टी वन आर टी इज़ ऑप्शन सी तो सी इज़ आर राइट आंसर ठीक है तो ये थोड़ा कैलकुलेशन लेवल पे जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे वहाँ हमें बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना है ये बहुत अच्छे टाइप का कॉन्सेप्ट है तो इसको स्टार मार्क करना प्रैक्टिस के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच सॉल्यूशन हैज़ द हाइएस्ट वेपर प्रेशर इन आइडेंटिकल कंडीशन अब हाइएस्ट वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं यानी जो डेल्टा पी की वैल्यू होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए कि मैक्सिमम होनी चाहिए तो सर हाइएस्ट वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है सो so, पहले हमें आर एल वी का पी का फॉर्मूला एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए दैट इज़ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इजिक्वल टू आई इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ऑप्शन में कंसेंट्रेशन तो सेम दे रखे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे तो हमें डिपेंडेंट ही नहीं है पी नॉट जो रहेगा वो वाटर के रिस्पेक्ट में रहेगा तो वो भी सेम है सो so, सारा खेल जो है वो डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रपोशनल टू आई के रिस्पेक्ट में रहेगा अब डेल्टा पी को जब हम ओपन करेंगे तो दैट इज़ पी नॉट माइनस पी एस इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई ठीक है सो जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू होगी जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू होगी उतना उतना ज़्यादा डेल्टा पी होगा अब जितना ज़्यादा डेल्टा पी होगा उतना कम हमारा पी एस होगा इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेस करता हूँ लेट्स से पी नॉट हमारा फाइव है पी एस की वैल्यू हम चेंज करते जाते हैं तो पहले फाइव में से वन माइनस करते हैं सो तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी फोर सो so, यानी फोर सबसे ज़्यादा बता रहा है सो so, मैं वही बोला कि डेल्टा पी जितना ज़्यादा होगा पी एस विल बी उतना कम डेल्टा पी इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू पी एस मीन्स द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी द लेस विल बी पी एस पी एस इज वॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई सो आई इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो ये भी एक तरीके से आप फंडामेंटली याद रख सकते हैं ठीक है ये उसको डि, डिराइव कर रहे हैं कोई कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ्स का बहुत बेसिक हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सो तो सभी केसेस में हम आई की वैल्यू देखते हैं तो एफ ई सी एल थ्री के केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई की वैल्यू फोर हो जाएगी एफ ई का जो आयन है वो प्लस थ्री में टूटेगा और थ्री टाइम सी एल माइनस वन सो आई इज थ्री आई की वैल्यू फोर हो जाएगी अगर बी ए सी एल टू में देखोगे तो थ्री हो जाएगी एन एस सी एल में देखोगे तो टू हो जाएगी यूरिया में आई की वैल्यू वन रहती है तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किस केस में रहेगा जिसमें आई सबसे कम रहेगा ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम डिस्कस्ड है इसीलिए मैं इसे लेके आया इस ब्रह्मास्त्र में तो इस पर प्लीज़ ध्यान देना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट या लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट तो सही था पर हाइएस्ट वेपर प्रेशर कैसे देखना है तो इस कंसेप्ट से देखना है ठीक है सो आई जितना कम रहेगा जितना कम आई रहेगा उतना ज़्यादा पी रहेगा क्योंकि उनके बीच में इनवर्स रिलेशन रहता है सो so, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अंडराइट मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल शिवल्स बिकॉज शिवल्स मतलब सिकुड़ जाता है इसका रीज़न क्या है तो सिंपल रीजन है सर ऑस्मोटिक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पर जब जाता है सो दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज ऑस्मोसिस ठीक है ठीक है और उसको रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं सो so, बहुत सिंपल सा रीज़न है इट लूजेज वाटर वो जो पिकल रहेगा वो लूज क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एन बाहर है तो इसका मतलब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है तो अंदर से वाटर बाहर की तरफ फ्लो करेगा सो so, कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा ऑस्मोसिस सो इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस फिजिकल है तो थ्योरी भी है तो प्रिपेयर रहना थ्योरी भी आएगी आगे देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड वैन नो करंट इज विड्रॉन जब कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होता है सो so उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दो सर्किट के बीच में रहता है सो दैट इज नोन एज ई एम एफ सेल ई एम एफ एन सी आर टी की डायरेक्ट लाइन है हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड वैन नो करंट इज ड्रॉन तो दैट इज नोन एज सेल ई एम एफ ठीक है आगे देखते हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हमें पता है कि कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है पॉइंट थर्टी फोर रहता है कुछ कुछ की आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए सी यू प्लस टू से सी यू में जा रहा है सो so, उसकी वैल्यू पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट होती है तो वो क्या क्या बताता है तो देखते हैं हम लोग दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ एच प्लस एच टू कपल एच प्लस एच टू वाले के लिए तो एस आर पी की वैल्यू कितनी होती है जीरो वोल्ट होती है रेफरेंस आइटम रहता है कौन सा आइटम रहता है रेफरेंस रहता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करना तो क्या कॉपर इतने एस के साथ खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा सर बहुत गलत बात अभी आप खुद ही ऑप्शन सही कर दोगे कि स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए था सर यहाँ पे क्या होना चाहिए था स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट का काम मैंने बताया था ना खुद घूमने नहीं जाना होता है सामने वाले को ले जाना होता है सो स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का तो रिडक्शन करेगा सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा हुआ कौन ज्यादा अच्छा हुआ कॉपर वाला कपल ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ सो so, हम बी ऑप्शन को टेक करेंगे देखते देखते अभी क्या है कि थोड़ा टाइम कम है तो कुछ ऐसे एम लेके आ रहा हो जिसमें शायद मल्टी करेक्ट हो सकता है बोर्ड में तो सिंगल करेक्ट ही आएगा बट ऑप्शन हम कवर कर सकते हैं क्या बोला है सी यू कैन डिस्प्लेस एच टू फ्राम एसिड ऐसा हो सकता है क्या अगर एच टू को एच टू डिसप्लेस करना है मतलब एच प्लस एच टू में जा रहा है सो so, यानी प्लस वन जीरो में जा रहा है तो so, प्लस वन जीरो में जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है so, क्या हाइड्रोजन ऐसा पाप कर पाएगा कॉपर से पहले वो रिडक्शन करेगा खुद का बिल्कुल नहीं करेगा कौन अपना रिडक्शन करेगा कॉपर ही करेगा क्योंकि कॉपर की एस वैल्यू ग्रेटर है कंपेयर टू एस वैल्यू ऑफ शी शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सो सी यू कैन नॉट डिसप्लेस एच टू फ्रॉम एसिड ये भी आंसर सही है ठीक है मल्टी करेक्ट नहीं आएगा बट ऐसे ऑप्शनस को हम देख के आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं ठीक है कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम लोग आगे देखते हैं वट इज़ द ई एम एफ ऑफ एच टू पी टी हमें पता है जब भी प्लेटिनम आ जाता है यानी कोई ना कोई गैस वाला इलेक्ट्रोड रह रहा होगा तभी वो पी टी को इंक्लूड कर रहा है एच प्लस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका कुछ प्रेशर दे रखा है पी वन और एच प्लस सॉल्ट ब्रिज आ गया एच टू पी टू और प्लेटिनम रहा है तो ऐसे टाइप के सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं जब एनोड और कैथोड सेम रहता है ना तो उस टाइप के सेल को हम कौन सा सेल बोलते हैं कॉन्सनट्रेशन सेल बोलते हैं है। उससे कोई लेना देना नहीं नर्स बाबा जब आए थे ना तो उन्होंने बोला था कैसे टाइप का भी सेल होगा मेरा फार्मूला काम करेगा नर्स बाबा का फार्मूला एकदम सिंपल होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटरेस्टिंग अगर आप एक ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन पॉइंट जीरो फाइव नाइन के साथ नहीं डील कर रहा है आर टी अपॉन एफ के साथ डील कर रहा है सो so, उसको लिखते हैं आर टी अपॉन एन एफ ठीक है एन फैक्टर वाला एन एफ और यहाँ पे एल एन आ जाता है क्यू सी डन अब हमें सिर्फ ओवरऑल इक्वेशन को लिखना है और वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है सो so हर कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो रहती है ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल जीरो रहता है क्योंकि ई नॉट रिडक्शन भी वही है और ई नॉट रिडक्शन एनोड भी वही कैथोड भी वही है और एनोड भी वही है तो वैल्यू सेम रहेगी तो वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ज़ीरो ठीक है तो ये तो जीरो हो गया सर देखते हैं आगे क्या दे रखा है सो ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनाने हैं हमें एनोड वाली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है सो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा होगा H2 जो है वो 2H एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा होगा H प्लस का कोई कंसेंट्रेशन नहीं दिया तो हम वन मोलर ही मानेंगे ठीक है हाँ बट एच का प्रेशर दे रखा है कितना दे रखा है पी दे रखा है कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा तो कैथोड की रिएक्शन हम कैसे लिख रहे होंगे तो टू एच प्लस वो दो इलेक्ट्रॉन लेके एच टू गैस में जा रहा होगा जिसका प्रेशर पी टू है दोनों तो इक्वेशन को ऐड करो टू इलेक्ट्रॉन एच प्लस एच प्लस कैंसिल हो गया सो मैदान में सिर्फ एच टू पी वन gives H2 P2 दिख रहा है सही है यानी अगर आप QC लिखेंगे तो अभी भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे पर प्रोडक्ट का प्रेशर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1 ठीक है सो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे तो क्या वैल्यू आ रही होगी EMF यानी E सेल माइनस इज इक्वल्स टू माइनस RT आप देखे तो n फैक्टर मैंने तो ही मेंटेन करके रखा है सो टू इंटू एफ ये फेराडेज कॉन्स्टेंट हो गया एल एन एल एन में ही ऑप्शन दे रखा है और हमें क्या सब्सिट्यूट करना है पी टू अपॉन टी वन कहीं पे भी माइनस नहीं है सर अरे कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स वाले और राहुल सर से पढ़ रहे हैं हम लोग हमें पता है कि एल एन ए इज इक्वल टू माइनस एल एन वन अपॉन ए जब आप रिवर्स करते हो तो माइनस साइन एल एन फ्री में लेके आ जाता है so, इसको क्या रीराइट कर सकते हैं हम लोग आर टी अपॉन टू एफ एल एन पी वन अपॉन पी टू लिख सकते हैं ठीक है एल एन के अंदर जब भी वैल्यू रिवर्स होती है ना तो एक माइनस बार आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना कौन सा दिख रहा है पी वन अपॉन पी टू आर टी टू एफ एल एन ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो हमें दिया है बोला गया है फाइव सिक्स डबल जीरो एम एल ऑफ ओ टू इज ऑप्टेंड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस एट एस टीपी ठीक है देन हाउ मच एज इज ऑप्टेंड बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी तो अगर आपको याद हो तो फैराडे का फर्स्ट लॉ तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है आई टी बट हमें यहाँ पे का सेकेंड लॉ यूज करना है जब करंट सेम रहता है दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बीच में या सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक जगह गैस का कुछ अमाउंट दे रखा है और दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर मेटल के डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वही कंडीशन है सो so, हमें फटाफट फटाफट ये चेक करना है कि फॉर्मूले में इक्वेलेंट वेट का मतलब क्या होता है सो इकोवेलेंट वेट का एकदम सिंपल सा मतलब होता है दैट इज मॉलिकुलर मास जिस भी चीज का आपको इकोवेलेंट वेट ढूंढना है उसका मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर सो डब्ल्यू वन अपॉन मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर तो नीचे का नीचे ऊपर जाएगा ठीक है दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन यहाँ वन रख लेता हूँ मॉलिकुलर मास टू डिवाइडेड बाई एन फैक्टर टू ठीक है तो ये ऊपर गया तो so, मैं इसको क्या लिखूंगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास वन कुछ याद आ रहा है बचपन का मोल्स 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 इन टू एंड फैक्टर ये वन ये भी वन अब लेट से मैं बात करता हूँ इस तरफ की तो ये भी नीचे का नीचे ऊपर गया तो वेट अपॉन वेट गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास टू इन टू एंड फैक्टर तो वो किसके बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ जो सेकेंड एलिमेंट है इन टू उसका एंड फैक्टर सर मज़ा आ गया सर यही तो चाहिए था इस फॉर्मूले का एक्चुअल मतलब ये रहता है जिसको हम बड़े लेवल पे ये बोलते हैं नंबर ऑफ इक्व सेम रहते हैं डन अब हमें बड़े लेवल पे जाने की जरूरत नहीं हमें फटाफट मोल्स ढूंढने है वेट ढूंढना एजी का सो एक एलिमेंट ए बनेगा और दूसरा जो गिवन है वो ओटू रहेगा सो अगर मैं वन को ओ मानता हूँ सो ओटू के मोल्स ढूंढ सकता हूँ मैं क्यों क्योंकि उसका वॉल्यूम दे रखा है और एस पे दे रखा है सो मोल्स एट एस टी पी इज इक्वल्स टू अगर वॉल्यूम एम एल में है तो नीचे टू टू फोर डबल जीरो से मल्टीप्लाई होता है याद आ रहा है लीटर में होता है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर होता है तो अगर एम एल में कन्वर्ट करोगे तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू फोर डबल जीरो आएगा सो वॉल्यूम इन एम एल कितना है फाइव सिक्स डबल जीरो टू टू फोर डबल जीरो 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 कट जीरो 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 कट अब फिफ्टी सिक्स का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो फोर से कटेगा तो दिस विल बी वन बाई फोर कितने मोल्स हो जाएंगे ओटू के वन बाई फोर तो यहाँ पे आ गया मोल्स ऑफ ओ टू वन को ओटू माना है तो मोल्स ऑफ ओ टू बी वन बाई फोर एन फैक्टर एन फैक्टर ऑक्सीजन का फोर रहता है एन फैक्टर ऑक्सीजन का हमेशा याद रखना इक्वेशन के हिसाब से एच टू ओ जब ओटू में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो चार इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा होता है चार चार इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा होता है ठीक है तो ये केस हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए सो एन फैक्टर फोर हो गया अगर वन ओ टू है तो सेकेंड ए जी होगा सो ए जी के मोल्स हमें एजी का वेट ढूंढना है कैसे पता ऑप्शन में वेट दे रखा है मोल्स नहीं दे रखा है सो so, मैं यहाँ पे वेट को क्या लिख सकता हूँ डब्ल्यू टू को डब्ल्यू टू वापस लिख लेता हूँ वेट गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर मास तो जी का मॉलिकुलर मास वन जीरो एट होता है अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है सो so, जो ए जी है उसका एस आर पी पॉजिटिव रहता है पॉइंट एट वैल्यू तो so, वो अपना रिडक्शन करके एजी सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा होगा बेटा उसका एंड फैक्टर कितना दिख रहा है तो वन है सर वन है तो वन से मल्टीप्लाई कर दो फोर से फोर कट गया तो डब्ल्यू टू की वैल्यू आ गई सर वन ज़ीरो एट ग्राम आ गई यानी कैथोड पे क्यों कैथोड पे? क्यों पे क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे ही होता है कितना ग्राम एजी डिपॉजिट हो रहा होगा वन जीरो एट मज़ा आ रही है ना आनी भी चाहिए बोर आ रहा है मज़े से आएगा क्वेश्चन भी बनेंगे ठीक है मज़े लो भाई सही है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट फाइव मोल डेसीमीटर क्यूब डरना नहीं है डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर होता है वन डेसीमीटर क्यूब इज ओनली इक्वल टू वन लीटर डराएगा बोर्ड डरना नहीं है घुमा के देगा हमें घूमना नहीं है पता होना चाहिए क्वेश्चन से ही पता चलेगा ए जी एनओ थ्री सोल्यूशन है टू नाइनटी एट के एलविन इज दिस मच ठीक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इससे पहले के ब्रह्मास्त्र में प्लीज़ बोर्ड से पहले ब्रह्मास्त्र की सीरीज एक बार देखिए ब्रह्मास्त्र वन टू थ्री फोर फाइव वैसे टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं एटलीस्ट थर्टी प्लस क्वेश्चन तो आपके सेम कॉन्सेप्ट ड्रिवन बन ही सकते हैं सो so उन्हें देखिए अभी सौ मार्क्स का सरप्राइज जोड़ू भी है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सो so सिक्स के बाद जोड़ू का सेशन जब आप देखने जाए तो ब्रह्मास्त्र वन से सिक्स हमारा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीटेड होना चाहिए तभी ना मज़ा आएगा तभी तो पता चलेगा समझ आएगी नहीं बात तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा दे रखा है स्पीड ज़्यादा रहेगी पहले से डिस्कस कर रखा है अब बोला है मोलर कंडक्टिविटी ढूंढना है तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इन टू थाउजेंड सर ये थाउजेंड कब आता है सर डाउट रहता है कभी थाउजेंड ऊपर तो कभी थाउजेंड नीचे थाउजेंड ऊपर तब आता है जब कप्पा की यूनिट में सेंटीमीटर दे रखा हो मीटर दे रखा हो तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन भाई मोल डेसीमीटर की सर कन्वर्ट करने की जरूरत है लीटर वीटर क्या ही कन्वर्ट करोगे वन डेसीमीटर क्यों वन एम के बराबर होता है सो फाइव पॉइंट सेवन सिक्स टू टेन की पावर माइनस थ्री इं टू टेन की पावर थ्री लिखा जा सकता है थाउजेंड को बेटा बिल्कुल लिखा जा सकता है सर और कंसंट्रेशन को फाइव इंटू टेन की पावर माइनस वन लिख सकते हैं पॉइंट फाइव को बहुत प्यार है सर बहुत मज़ा आ गई बहुत मज़ा आ गई माइनस थ्री प्लस थ्री कट गया टेन की पावर वन ऊपर चला गया सर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव कर लेते हैं सर कर लो बेटा कर लो कितना आ रहा है मेरे मेरी कैलकुलेशन तो बोल रहे हो कि वन पॉइंट समथिंग आ रहा होगा सो वन पॉइंट वन ठीक है टू गया टू गया तो कितना हो जाएगा फाइव सही है इन टू टेन सो यानी इलेवन पॉइंट फाइव टू ठीक है ये टू से भी यहाँ पे टू भी कर दो सो इलेवन पॉइंट फिफ्टी टू हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा इलेवन पॉइंट फिफ्टी टू दैट इज ऑप्शन डी दिल में दिवाली पूरा भाई सही है कि नहीं दिवाली पूरा ही दिल में होना चाहिए एग्जाम के टाइम तो स्पेसिफिकली आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है राइट द केमिकल इक्वेशन दैट अकर्ड इन लेड स्टोरेज तो लेड स्टोरेज जो रिएक्शन रहती है उसमें दो पार्ट रहता है एक चार्जिंग से पहले और एक चार्जिंग के बाद मतलब चार्जिंग के टाइम पर रिएक्शन रिवर्स हो जाती है सो so पहले हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन स्पेसिफिकली देख लेते हैं तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखना है तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही होती है मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र की सीरीज में फटाफट मैं लूंगा पी वी प्लस एस ओ फोर माइनस टू के साथ कंबाइन होके पी वी एस ओ फोर बना रहा होगा पी बी एस ओ फोर बना रहा होगा बिल्कुल बना रहा होगा सर नेक्स्ट कैथोड की अगर आप रिएक्शन देखोगे तो कैथोड पे लेड ऑक्साइड जो है वो एस ओ फोर माइनस टू के साथ कंबाइन हो रहा है किसके साथ कंबाइन हो रहा है एस ओ फोर माइनस टू के साथ ये भी पी वी एस ओ फोर बना रहा है ये भी क्या बना रहा है बेटा पी बी एस ओ फोर अब देखो अब मुझे रिएक्शन को किस रिस्पेक्ट में देखना है यहाँ पे जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे होंगे वही दो इलेक्ट्रॉन कैथोड वाला खा रहा होगा समझ आई कि नहीं बात समझ आई की नहीं बात अब एसओ फोर को अकेले रखेंगे चार्जेस बैलेंस होने चाहिए चार्जेस बैलेंस होने चाहिए तो चार्जेस देखोगे तो माइनस टू माइनस टू चार्जेस ऊपर वाली रिएक्शन में बैलेंस है या माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो रहा है सर फोर एच प्लस ले लो फोर एच प्लस ले लो देखो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में लेके बैठ रहा है भैया लेके बैठना है चार एच प्लस में से दो एच प्लस इसको दो एच प्लस इसको सो ओवरऑल इक्वेशन जो बनी ओवरऑल रिएक्शन जो बनी ऐड करना है बैटरी का क्वेश्चन हर फॉर्मेट में रखा इसीलिए रखा ताकि आपको आए तो एच टू एस ओ फोर टू टाइम्स एच टू एस ओ फोर क्यों टू टाइम्स एच टू एस ओ फोर ऊपर नीचे दोनों जगह से आया ना प्लस पी वी ओ टू प्लस पी वी ओ टू गिफ्ट क्या दे रहा है बेटा क्या दे रहा है क्या पी वी एस ओ फोर पी वी एस ओ फोर तो टू पी वी एस ओ फोर ठीक है इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा ही नहीं यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में हमें टू टाइम्स एच टू ओ निकाल देना ठीक है तो प्लस टू एच टू ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी चेक करो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है पी बी प्लस एच टू एच टू एस ओ फोर प्लस पी बी ओ टू गिफ्स टू पी बी एस ओ फोर प्लस टू एच टू हो कहीं दिख रहा है कहीं दिख रहा है सर पहला ही दिख रहा है बट उल्टा होके दिख रहा है उल्टा होके क्यों दिख रहा है हालांकि ये रिएक्शन तो ऐसी ही होगी रिवर्स रिएक्शन कब होती है जब चार्जिंग होता है लेड स्टोरेज में जैसे ही चार्जिंग होता है ना तो पी बी एस ओ फोर की रिएक्शन रिवर्स तरीके से काम करने लगती है पी बी एस ओ फोर एनोड पे पी बी को डिपॉजिट करवाता है और कैथोड पे पी बी ओ टू को करवाता है सही है वैसे इस हिसाब से कोई ऑप्शन हमारे हिसाब से तो पी भी तो कहीं है ही नहीं रिएक्टेंट साइड पे तो हो सकता है कि वो रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हो रिवर्स की नहीं भी बात कर रहा है तो ये स्ट्रेट रिएक्शन मतलब बिना चार्जिंग के रिएक्शन मैंने आपको मेंशन आउट कर दिए याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए हमें ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इन फोर्टी फाइव मिनट्स हाउ लॉन्ग विल लिट टेक टू कंप्लीट नाइन्टी नाइन पॉइंट ऑफ द रिएक्शन पूरा कंप्लीशन की तरफ तो चेक करते तो दिया हमें वैल्यूज दे रखिए कि 99.9 परसेंट कंप्लीट करना है तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज हम 80 से एक्सप्रेस करते हैं तो 100 माइनस नाइनटी दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट अब हमें सिंपली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखनी है दैट इज के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग ऑफ ए जीरो बाई ए टी जहाँ पे ए जीरो इनिशियल कंसेंट्रेशन बता रहा है तो जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन हंड्रेड लेंगे ठीक है रिमेनिंग पॉइंट वन पता चल गया नीचे का पॉइंट वन ऊपर जाएगा तो थाउजेंड बना देगा थाउजेंड को मैं टेन की पावर थ्री एक्सप्रेस कर रहा हूँ अब देखेंगे तो के की वैल्यू कितनी रहेगी तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी टाइम हमें पूछा है जब नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन कंप्लीट हो जाए के हम ढूंढ सकते हैं जब हमें हाफ लाइफ दे रखा है सिंपल सा फॉर्मूला रहता है हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के तो हम के ढूंढ सकते हैं पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ ठीक है t तो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टी हाफ की वैल्यू फोर्टी फाइव है इसको यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे मैंने आपको बताया था पहले के ब्रह्मास्त्र में भी कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर रखने के लिए हमें क्या करना होगा सो so, हमें थोड़ा सा पेन का पहले तो साइज थोड़ा सा मोटा करना होगा है ना ताकि थोड़ी विजिबिलिटी सही आए ठीक है तो 0.693 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2.303 पॉइंट लॉग टू के फॉर्मेट में तो so, इसको मैं लिखूंगा 2.303 पॉइंट थ्री टू डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव देखो टू पॉइंट थ्री जीरो से टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कट गया आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कैसी यूज कर लेना मैं तो ये क्या कैलकुलेशन कैलकुल करने के लिए आपको टिक ट्रिक बता रहा हूं ठीक है यहाँ पे थ्री आ जाएगा इन टू लॉक टेन हो जाएगा log 10 की वैल्यू वन हो जाएगी और यहाँ पे लॉक टू की वैल्यू जो रहेगी उसको पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री एज्यूम कर लेंगे ठीक है यहाँ पे वन अपॉइंट टी हो गया और ये फोर्टी फाइव हो गया तो टी को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो थ्री इंटू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट थ्री डन डन बिल्कुल डन सर तो पॉइंट थ्री से ये थ्री कट जाएगा उदारी में टेन दे के जाएगा तो ये फ़ोर फिफ्टी मिनट्स आया ध्यान देना ये फोर फिफ्टी मिनट्स आया टाइम फोर फिफ्टी मिनट्स आया मुझे यूनिट आर्स में दे रखी है सो तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से तो फोर फिफ्टी अपऑन सिक्सटी करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा जीरो से जीरो कट जाएगा सेवन से ये कट जाएगा तो सेवन पॉइंट फाइव आर्स आ जाएगा सो तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ठीक है बहुत इजी कैलकुलेशन बहुत स्मूथली फॉर्मूला पता होगा वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी आंसर लाना आगे बढ़ना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में कोल्यूजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कोल्यूजन थ्योरी परफेक्टली कोलाइडेड मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अप्लाई होती है और परफेक्ट कोल्यूजन किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में ही प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो सकता है ये कोल्यूजन थ्योरी ने बोला था दो से ज़्यादा अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो परफेक्ट कोल्यूजन इज नॉट पॉसिबल सो हमारा आंसर हो जाएगा बाई मॉलिकुलर रिएक्शन दैट इज़ बी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेन इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इनिशियल डबल कर दिया गया है द हाफ पीरियड ऑफ ऑफ ए जीरो लाइफ ऑर्डर रिएक्शन सो हम सब याद रखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहता है हाफ लाइफ इज टू अपॉन के बट जीरो ऑर्डर के लिए तो जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए टी हफ इज इक्व टू ए जीरो बाई टू के ये जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ रहता है सो यानी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर सर आपने इनिशियल कंसनट्रेशन को डबल किया डबल किया डबल क्या कोई पावर के साथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सर फॉर्मूला लीनियर ही है मतलब लीनियर है वेरिएबल जो हमारा पावर है वो लीनियर पावर है ठीक है सो मैंने अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी सीधे सीधे डबल हो जाएगी सर रिमेन सेम अनचेंज नहीं अनचेंज तब होता जब फर्स्ट ऑर्डर होता है बट ज़ीरो तो ऑर्डर बोला है तो वो डबल हो जाएगा तो आंसर विल बी डबल्ड नेक्स्ट देखते सिक्सटीथ वाला द रेट कॉन्स्टेंट यूनिट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है पर ब्रह्मास्त्र सीरीज में इसका ब्रह्मास्त्र मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको कि किसी भी ऑर्डर में रेट कॉन्स्टेंट कैसे ढूंढते हैं तो सर फॉर्मूला ये रहता है के इज इक्वल टू यूनिट का है यहाँ वैल्यू का नहीं है मोलैरिटी वन माइनस एन सेकेंड का इन्वर्ट सेकंड का इन्वर्ट फिक्स रहेगा सेकंड का इन्वर्ट फिक्स रहेगा देखो सेकंड का इन्वर्ट फिक्स रहेगा तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही डी तो हटाओ 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 ठीक है जब एन क्या बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलारिटी जो खुद रहता है वो किसके बराबर रहता है मोल पर लीटर के बराबर रहता है मोल पर लीटर के बराबर रहता है तो ध्यान से देखते हैं सर मोल पर लीटर वन माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू हो जाएगा सो मोल पर लीटर माइनस टू हो गया और ये सेकेंड इनवर्स उल्टा करेंगे ना रिवर्स रेसिप्रोकल लेंगे ना तो लीटर ऊपर और मोल नीचे और माइनस पावर प्लस हो जाएगी सो so, यूनिट क्या हो जाएगा लीटर अपॉन मोल का स्क्वायर और ये सेकंड इन्वर्स हो गया सही है कि नहीं सो so, मोल को भी स्क्वायर और एल को भी स्क्वायर पर ध्यान देना ये डैश है मतलब मोल को स्क्वायर तो मिला बट नीचे में मिला सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्रह्मास्त्र सीरीज में ऑलरेडी ये ब्रह्मास्त्र मैंने दे रखा है रेट कॉन्सेंट ढूंढने को जरूर आ सकता है मार्क कर लेना इसको डन फॉर अ रिएक्शन ए टू बी गिव्स प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है रेट कांस्टेंट में देखने लायक बात है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए थ्री है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है यानी आप बी के कंसनट्रेशन में कुछ भी कर लो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो ये बताना चाह रहा है इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड द कंसनट्रेशन ऑफ बी इज हाफ अभी क्या बताया ऑर्डर जीरो है बी के रिस्पेक्ट में तो आप कुछ भी कर लो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ ए का डबल किया तो डबल का स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास सिंपल रहता है आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर थ्री बी की पावर जीरो बी की पावर जीरो मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी ज़ीरो है इसका मतलब आप कुछ भी चेंज लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो नया रेट रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट हमेशा सेम रहता है ए का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया है बी का हाफ भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो इसकी वैल्यू वन होगी इसकी भी वैल्यू वन होगी सो ये क्या हो जाएगा के टू का क्यूब करेंगे दो ए तो क्यूब ए का कंसनट्रेशन वैसा का वैसा रहा एट बाहर आ जाएगा सर आरनी की जो वैल्यू हो जाएगी सर आरनी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या हो जाएगी एट टाइम्स ऑफ पुराना आर सही है तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा एट टाइम्स बढ़ जाएगा घटेगा नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच मेटल डज नॉट कंटेन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट तो थ्री सीरीज में दो मेटल्स याद रखना एस सी स्कैंडियम स्कैम करके चला जाएगा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है वो और उसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता और जिंक जिंक प्लस टू में ही रहता है बाकी सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है सो तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है जेड ठीक है तो जेड विल बी आर आंसर डायरेक्ट डी ब्लॉक के क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएंगे एन की रीडिंग रखनी है डायरेक्ट क्वेश्चन बनने बनने ही बनने नहीं जाने कहीं और द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल ठीक है बेसिक कैरेक्टर बताना है तो हमें बहुत सिंपल सा फिनमिना पता होना चाहिए जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर जब जब इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक नंबर जब जब इंक्रीज़ करेगा ठीक है सो so, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की न्यूक्लियस की पावर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की पावर बढ़ेगी यानी बेसिसिटी जो रहेगी बेसिसिटी रहेगी एटॉमिक नंबर पर बढ़ने पर वो डिक्रीज करेगी सही है सो हमें ऑर्डर पता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम ठीक है तो अब देखते हैं देखते हैं ऑक्साइड है सब कोई ऑक्साइड है तो टाइटेनियम सबसे लोएस्ट नंबर किसका है टाइटेनियम का क्यों क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बेसिसिटी कम होगी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बेसिसिटी कम होगी तो टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए टाइटेनियम के बाद कौन आएगा वेनेडियम 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 के बाद कौन आएगा क्रोमियम और क्रोमियम के बाद कौन आएगा आयरन तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी एकदम सिंपल सी बात है सर अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सेम ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं तो शील्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है सो तो इलेक्ट्रॉन पकड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है बेस कौन अच्छे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सके अगर पकड़ ही लेंगे तो देंगे क्या नहीं दे पाएंगे सही है पकड़े गए तो दे ही नहीं पाएंगे सही है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बेसिसिटी घटेगी सिंपल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रायोल्यूसाइट सर ये एक वर्ड का है एन सी आर टी में प्रायोलोसाइट वर्ड डायरेक्टली एनसीआर में एकदम छुपा हुआ वर्ड है एम है ये और वो होता है जो पोटेशियम पर के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है एनसीआर की डायरेक्ट लाइन है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो so आंसर क्या हो जाएगा एम एन ओ टू एम एन ओ टू प्रायोलोसाइट इज एन ओर दैट इज यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेडाइन क्रोमेडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर बहुत सिंपल है सी आर ओ फोर माइनस टू दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है कैसा स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रल सी आर ओ ओ ओ ठीक है और ये पूरे पे क्या चार्ज रहता है माइनस टू ठीक है सी आर ओ फोर माइनस टू क्रोमेटाइन कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ठीक है आगे बढ़ते विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस ठीक है तो कॉम्प्लेक्स देखते ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इंस्टेंटली होना चाहिए अटोमिक नंबर पता हो तो एफ ई ट्वेंटी सिक्स नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे एक्स प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आर्गन फोर एस टू थ्री डी सिक्स तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले जाएंगे फोरेस्ट में से आउटर मोस्ट तो अभी भी फोरेस्ट है थ्री तो अंदर वाला आदमी अपना थ्री डी फाइव हु है पाँच सही है कि नहीं अब चेक करो कि लीगेंड की स्ट्रेंथ क्या है सी एन सी एन इज अ स्ट्रॉन्ग फील लीगेंड एस एफ एल है एस एफ एल का काम क्या होता है पंडित की तरह काम करता है पंडित मतलब पैरिंग कर देगा पंडित मतलब पैरिंग कर देगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पाँच ही इलेक्ट्रॉन्स हैं सर पाँच डी में पाँच एक दो तीन चार और पाँच पाँच लोगों की पैरिंग करनी है तो एक तो अनपैड अभी भी बच जाएगा तो पैरिंग करने के बाद कैसा बचेगा एक दो तीन चार ठीक है चार चार बटवारा करा तो पांच घर बन जाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच पांचवा दो ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली है छह कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हम पहले हमें पता है थ्री डी पहले आता है फिर कौन आता है फोर एस आता है फिर कौन आता है बेटा फोर पी आता है तो हम फिलिंग कैसे करेंगे खाली घरों में लीगेंट्स खाली घर भरते हैं तो दो तीन चार पाँच छ क्यों छे सर क्योंकि छह ही लीगेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ एस पी एस पी एक और चीज इंटरेस्टिंग है एक तीर दो निशान है अभी बोला था ना अभी स्टार्टिंग में सीरीज में कि हो सकता है कि दो ऑप्शन करेक्ट हो क्यों टाइम कम है हमें वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहां पे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा पंडित था पांच लोगों के तो जोड़े नहीं बना पाएगा ना छह होते तो जोड़े बन जाते एक अनपैड बरचा तो मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक रहेगा ए एंड सी बोथ right. आंसर आर राइट ठीक है आगे बढ़ते विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट बहुत सिंपल है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा बट अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हमारे बुक्स में हमें ये देखा है एनसीईआरटी में कि ट्रांस आइसोमर्स जो रहते हैं क्योंकि दो पोजीशन ऊपर नीचे 180 पे खींच दो तो कुछ भी मॉलिक्यूल प्लेन में जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो ट्रांस आइसोमर्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव होते नहीं है ट्रांस ट्रांस खत्म सर क्या ये मल्टीकरेक्ट है ये भी सिस सिस तो ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा ध्यान देना सिस वाले में इस चीज पे ध्यान देना ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या बात कर हो सर क्या बात कर हो इसका स्ट्रक्चर देख लो ट्रांस में तो कोई डाउट नहीं है सिस में डाउट होना चाहिए सी जो है एन थ्री स्ट्रक्चर तो आप सिस का कैसे भी बना सकते हो अपने हिसाब से अब जितने भी उसके जी होंगे ज्योमेट्रिक मतलब आइसोमर्स होंगे उसमें से किसी के पास भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी सो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो अगर मैं सी को इधर रखूँ सी को इधर रखूँ देखो सी एल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नाइन्टी डिग्री पे है ना तो ये सिस आइसोमरी कहलाएगा तो यहाँ आप एन एच थ्री एन एच थ्री एन एच थ्री और ये एन एच थ्री हो गया ये हमारा प्लेन बन गया ये ऊपर और ये नीचे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है हाँ सर ऐसे कट कर दो देखो ऊपर एन एच थ्री नीचे एन एच थ्री तो यहाँ पे प्लेन पी ओ एस हम शॉर्ट में पी ओ एस बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है सिस होने के बाद भी तो सीज देख के एक्साइटेड मत होना बोर्ड में उसका स्ट्रक्चर बनाना सीज होने के बाद भी वो ज्योमेट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास पी ओ एस एग्जिस्ट कर रहा है आप अगर ऊपर वाला देखोगे ना तो मस्त मौला आदमी है इसका कैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा सो हमारा ए आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है आप बना भी लो यार कोई बोलेगा सर को आता नहीं बना नहीं है यार हमको बनाने को बोल रहे हैं अरे भाई आपको बनाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है सी एल सी एल और ई एन ई एन ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ये सिर्स आइसोमर है कैसे भी आप इसका कोई भी आइसोमर बना लो इसके पास पी ओ एस नहीं है पी ओ एस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है ठीक है द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री माइनस अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर माइनस रहता है तो मेटल के नाम के पीछे एट आ, आ, आ जाता है एट आ जाता है एट आ जाता है आयरन का नाम आयरन एट नहीं बोलते हैं आयरन का जो नाम यूज़ होता है वो फेरेट होता है फेरेट होता है फेरेट होता, होता है सही है कि नहीं आपको भी ऐसा अपने कानों में एक्ो आना चाहिए ठीक है एग्जाम का टाइम आ रहा है सो so मैं नाम करूंगा तो सबसे पहले लीगन का नाम करते हैं उसके बाद मेटल का करते हैं और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं और ध्यान देना मेटल का नाम एट आएगा अगर स्पियर नेगेटिव है तो सी एन का नाम होता है साइनाइड साइनो भी बोल सकते हैं साइनाइडो भी बोल सकते हैं तो साइनाइडो हम पकड़ के रखते हैं कितने साइनाइडो हैं सिक्स है सो हेक्सा साइनाइडो एफ ई पे आ जाएंगे तो आयरन नहीं लिखेंगे जब एट लिखना है तो हम फेरेट यूज़ करेंगे जब एट लिखना है तो हम फेरेट यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे फेरेट यूज़ करेंगे उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि ये आयन है तो लास्ट के पीछे नाम के पीछे आयर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने ढूंढना सीखा था सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है एक्स मान लेना है ठीक है सी एन का माइनस वन इंटू सिक्स ओवरऑल चार्ज माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू प्लस थ्री रोक रोमन न्यूमरल्स में थ्री लिख देने का है देखो 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 ढूंढो ढूंढो कहाँ पे ये नाम हैग्जा साइनाइडो फेरेड थ्री आए एन इज ऑप्शन सी ठीक है आगे बढ़ते बहुत ईजी है आएगा तो आप बता दोगे थ्योरी पार्ट कॉर्डिनेशन कंपाउंड में से थ्योरी पार्ट थ्योरी थ्योरी आ सकती है भाई मेरे को पूछ के दोनों तो ना आएगी आपको पूछ के नहीं आएगी बोर्ड वालों को पेपर कैसे भी बना देना हमें सब एस्पेक्ट में रेडी रहना है ये एप्लीकेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत अच्छा क्वेश्चन एक मिनट ढूंढ के दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजफुल इन फोटोग्राफी सो आप अगर वो एप्लीकेशन वाला एन में रीड करोगे ना सो so जो कंपाउंड होता है वो होता है ए जी एस टू ओ थ्री होल्टवाइ माइनस थ्री ठीक है देखो कहीं है ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है सर ए ऑप्शन ठीक है सर इसका नाम तो बताते जाओ तो देखो एस को थायो सल्फेटो बोलते हैं थायो सल्फेटो कितने थायो सल्फेटो है दो तो डाई थायो सल्फेटो ए जी स्पीयर पर क्या चार्ज है माइनस तो मेटल का नाम एज इट इज नहीं रहेगा वरना सिल्वर लिखता सिल्वर का सर दूसरा नाम क्या आयरन का आयरन नहीं होता है फेरेट बोला तो सिल्वर का अर्जेंटीना भी जीती थी ना और अर्जेंटेट बोलते हैं अर्जेंटीना अभी जीती थी ना फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटेट बोलते हैं क्या बोलते हैं अर्जेंटेट तो इसका नाम क्या पड़ेगा डाई ठीक है थायो सल्फेटो ठीक है अर्जेंटीना अभी वर्ल्ड कप जीती थी ना ये तभी यूज कर रहा हूं मैं जब स्पीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा अर ठीक है अर्जेंटेट ठीक है एट नाम के पीछे एट आ जाता है अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन नंबर आप ढूंढोगे तो वन आएगा क्यों क्योंकि एस टू ओ थ्री जो है उस पर माइनस टू चार्ज होता है माइनस टू इंटू टू माइनस फोर माइनस फोर ऊपर जाए उधर जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर प्लस वन आगे बढ़ते नेक्स्ट विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कलरलेस कलरलेस की थ्योरी एकदम सिंपल रहती है एकदम सिंपल रहती है जिसका भी म्यू ज़ीरो है यानी डाई मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक स्पीसी है एनर्जी फुल होनी चाहिए भाई आंसर कमेंट में आने चाहिए डाई मैग्नेटिक स्पीसी जितनी भी है तेरा को बोर्ड है भाई अभी आंसर नहीं आएंगे तो कब आएंगे अभी लाने आंसर डाई मैग्नेटिक स्पीसीज जितनी रहेगी वो सब कलरलेस रहेगी सिंपल हमें चेक करना है किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है सो आपको मैं एक ट्रिक बताऊँ आप कभी को ऑप्शन में जिंक दे रखा हो ना तो जिंक को एक बार देख लिया करो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है प्लस टू क्या ये प्लस टू पर है तो देखो जिंक का कॉन्फिग्रेशन रहता है थ्री डी टेन फोर एस टू यह नॉर्मल जिंक का रहता है आर्गन ये जेड एन अगर जेड एन जेड एन प्लस टू में जा रहा है तो वो दो इलेक्ट्रॉन फोरेस्ट से निकलेंगे तो कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन थ्री डी टेन टेन मतलब दस के दस घर भरे कोई अनपड़ इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी डाई मैग्नेटिक है डाई मैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा ठीक है चेक करो क्या जिंक प्लस टू पर है बिल्कुल है सर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है एक्स एन एस थ्री का न्यूट्रल लिगेंड होता है जीरो इंटू सिक्स ओवरऑल चार्ज प्लस टू तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस टू आ जाएगी सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बाकी आप चेक करना सब अनपैड इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपैड रहेंगे इसीलिए क्या रहेगा वो पैरा मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज हमेशा कलर शो करते हैं के टू सी आर ओ फोर में आप डायरेक्टली येलो कलर होता है डायरेक्ट एन सी आर टी बेस्ड इंफॉर्मेशन है पोटेशियम क्रोमेट का जो कंपाउंड रहता है उसमें हमारे पास येलो कलर रहता है ठीक है बाकी दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट द मेटेलिक फ्लोराइड यूज इन स्वाड्स रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड तो एक तो ए जी एफ होता है दूसरा एस बी एफ थ्री भी होता है तीसरा ए जी टू एफ टू ए जी टू एफ टू भाई स्वाड्स रिएक्शन में ये तीन रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने मन चाया कौन सा कौन सा सर ए जी एफ एस बी एफ थ्री कहाँ तो एच जी टू एफ टू सर वाह मज़ा आ गया सर सही है डन आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम डेंसिटी ठीक है तो डेंसिटी जब हम बात करते हैं तो देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे वो एलकाइललाइड हो एल्कॉल फिनॉन्स हो एल डी आइड की हो या अमाइंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र के सारे सीरीज में कोई ना कोई चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके आया हूँ आप प्लीज़ उसे चेक करना ठीक है तो डेंसिटी जो रहता है एल्काइल एलाइड फैमिली के, के केस में वो तीन बातों पर डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होंगी और एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम हमें पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजन फैमिली में ठीक है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में डी जाते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मासेस बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अगर आप ध्यान दोगे तो कार्बन तो धोखा दे सकता है यहाँ जो हमें देखना है नंबर अलग नंबर बन रहे हैं सी एल चार सी एल तीन सी एल एक बी आर है सर बी आर तो ज़्यादा लग रहा होगा बट बेटा आप ये फैक्टर को तो ध्यान देना नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जितने ज़्यादा हेलोजन एटम्स होंगे एटॉमिक मास और या मोलिकुलर मास एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं और इसके स्लैश में हम लिख लेते हैं मोलिकुलर मास ऑटोमेटिकली कंपाउंड का बढ़ जाएगा मॉलिकुलर मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है चार क्लोरीन विनर हो गया तो बी आंसर इज द राइट आंसर ठीक है उसके बाद तीन वाला आता है तीन तीन रेस यहाँ बराबर थी तीन कार्बन तीन कार्बन जब रेस बराबर होती है ना तो हेलोजन आइटम के मास को देखते हैं तो किसका हेलोजन आइटम हेलोजन किसका भारी है बी आर भारी है तो ए से ज़्यादा डेंसिटी डी की होती है ठीक है बट अभी तो हमारा बी रेस जीत गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड बेंजीन रिएक्ट विथ आई टू टू गिव आयोडो बेंजिन हमने ये एन सी आर टी की डायरेक्ट एक एन सी आर टी की लाइन है ऑर्गेनिक में भी लाइन पकड़ी है ऑर्गेनिक में भी लाइन पकड़ी है चेक करना वो लाइन कि बेंजिन एक्स टू एफ ई डार्क में रिएक्शन करता है डार्क कंडीशन में रिएक्शन करता है ठीक है हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में सो वो क्लोरो और ब्रोमो का तो डेरीवेटिव दे देता है बाई प्रोडक्ट में एच सी एल और एच बी आर निकलता है पर आयोडो डेरीवेटिव इतने आसानी से नहीं निकलता है क्यों क्योंकि जो उसमें एच आई प्रोड्यूस होता है बाई प्रोडक्ट में जो एच आई मिलेगा आयोडो बेंजीन जो हम बनाना चाह रहे हैं किसके मदद से जब मैं बेंजीन की रिएक्शन आई टू की तरह अभी मैं एक्स क्यूँ रख रहा हूँ मेरे को पता है आई कौन है एक्स क्यों रख रहा हूँ आई पता है आई आयोडीन एफ ई डार्क ठीक है ये रिएक्शन डायरेक्टली एन सी आर टी में दे रखी है तो जो एच आई है ना वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है बहुत शैतान है भाई पीछे खींचता है पीछे खींचता है ठीक है तो अभी ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी एच आई की दिक्कत सॉल्व कर लेते हैं सो एच आई को है ना किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके उसको निपटा देते हैं so, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एन सी आर टी की डायरेक्ट लाइन है दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो का तो आप नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो का तो एच आई ओफोर यूज़ कर सकते हो मेटा पर आयोडिक एसिड ठीक है पर आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ये दो में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके उस एच आई उस जो एच आई रिवर्सिबल कर रहा है ना रिएक्शन को उसको ही उड़ा देंगे ठीक है वो आई टू में कन्वर्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा है ना क्या कहते हैं हम लोगों ने इलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना ली चैटलर्स प्रिंसिपल रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एच एन ओ थ्री हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते थे हाँ एच एन ओ थ्री की जगह अगर एच आई ओ फोर देख ना एनसीआर टी में वो दिया है एच एन ओ थ्री कॉमा एच आई ओ फोर भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और एच आई को निपटा देगा ऑन हीटिंग टू कॉमा टू डाई मिथाइल साइक्लो हेक्गजेनॉल एल्कोहल दे रखा है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एच टू एस ओ फोर इनका काम क्या होता है पानी निकालना पानी निकालते कैसे हैं भाई प्रोसेस को डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेशन बोलते हैं ठीक है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से पानी निकालते हैं आप ऐसे सीधे सीधे पानी नहीं निकाल देते है. तो डाई मिथाइल साइक्लोहेक्गजेनॉल हेक्गजेन मतलब छः कार्बन हुआ टू कॉमा थ्री लेट से ये फर्स्ट है ये ओ OH एच है सही है सही बनाया सकते, हो बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सही है ये नंबरिंग वन टू तो, थ्री फोर फाइव और सिक्स हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर हो गया करना क्या होता है ओ एच को उठा दो निकाल दो बाहर कर दो सर बाहर कर दिया सर ओ एच निकला तो कार्बन को प्लस टू ही दे के जाएगा कार्बन की इतनी हैसियत तो नहीं है कि ऑक्सीजन से लड़के माइनस ले ले प्लस ही लेना है उसको ठीक है ये वन टू इधर है ये रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र के सीरीज में जब जब कार्बो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी इच्छा होगी ज़्यादा स्टेबल बने टू डिग्री का है यहाँ से मिथाइल अगर शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो कितने डिग्री का बन जाएगा सर वो थ्री डिग्री का बन जाएगा बस थ्री डिग्री का बन गया और क्या चाहिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब भी करते हैं तो एल्किन बनता है तो एल्किन कैसे बनता है एल्फा कार्बन जिस कार्बन से ओ एच जुड़ा है वो एल्फा कार्बन और बीटा वाले कार्बन से एच निकाल दो एच निकाल दो ठीक है उखाड़ दो बोलना चाहता था तो उखाड़ ही दो सही है तो ये अल्फा हो गया है, जिस पे कार्बो कार्बोकेटाइन है और ये बीटा है इसके पास एक एच है ना अभी भी वैलेंसी में तो एच निकल जाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा बड़ा प्यारा सा ऐसा बनेगा सा। सर सर यहाँ से भी तो एच बन सकता था अल्फा के बीटा में ये भी तो है सर बिल्कुल बनता बट अगर आप यहाँ ध्यान दो सेव रूल याद आना चाहिए सेवरूल सेट जेफ ने क्या बोला था ये इधर 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 ट्रिंगा डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं सेव रूल सेट जेव रूल बता रहा हो एल्कि की स्टेबिलिटी के लिए एक और दो और तीन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम के साथ एक दो तीन डबल बॉन्डेड सिस्टम कार्बन के साथ एक दो तीन चार तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा ऑर्गेनिक की डिमांड किसकी होती है मेजर की माइनर की मेजर की माइनर की मेजर की होती है सर तो डी आंसर सही है थोड़ा इधर कर सकते हैं सही है कि नहीं सेम ही कंपाउंड है डन नॉर्मन क्लेचर करोगे तो सेम ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो एसिड के रिपोर्ट ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है जब ये सेशन हम लोग नेक्स्ट बावाजोड़ो में जाएंगे बोर्ड से एक दिन पहले ठीक है ठीके? तो हमें तब बहुत फायदा होगा तो सारी सीरीज हमें एंड तक वॉच करनी है और अच्छी तरह से हमें कॉन्सेप्चुअली लिख के हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे भाई स्पीड होगी तब जोरदार वाली ठीक है स्ट्रांगेस्ट एसिड तो एसिडिक नेचर जो रहता है हाँ मैंने एक कमेंट भी देखी थी एक ब्रह्मास्त्र की सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं अरे भाई मैं अपने लिए तो स्लो नहीं हूँ ना मेरा टेस्ट तो नहीं है टेस्ट तो आपका है स्लो मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझो अगर आपकी कुछ भी प्रिपेरेशन नहीं है सो तो आप थोड़ा प्रिपेर हो कंसेप्ट देखो कंसेप्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम को आगे रखना क्योंकि ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट होता है और प्लस आई और प्लस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिनॉल फिनॉ फिनॉल हेग्जेनऑल तो बाहर हो गया एलिफेटिक एल्कोहल्स हमेशा वीक एसिड रहते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एल्कोहल्स आई रिपीट एलिफेटिक एल्कोहल्स हमेशा वीक एसिड रहते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एल्कोल्स और एरोमेटिक में फ़िनॉल आ जाता है एलिफेटिक में हेगजेन वनऑल आ जाएगा ये तो निपट गया भाई इन्हीं का स्ट्रक्चर बना के चेक कर दो ये हुए हमारे सुंदर सा फिन बेंजिन के ऊपर ओ एच ये दूसरा सुंदर सा ओ OH एच और यहाँ पे कौन आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा नाइट्रोफिनोल यह तीसरा कंपाउंड है ओ OH एच और पैरा पे मिथाइल मतलब सी एच थ्री आ गया सर ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला सबसे बढ़िया सर एनो टू एनो टू कौन सा इफेक्ट शो करता है माइनस एम माइनस एम एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा खतरनाक बढ़ा देगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मिथाइल प्लस सा इफेक्ट शो करके एसिडिक नेचर को घटा देगा इनफैक्ट फिनॉल से भी वीकर एसिड रहता है पैरा मिथाइल फिनॉल पैरािथाइल फिनॉल पैरामिथाइल फिनॉल वीकर एसिड रहता है कंपेयर टू फिनॉल क्योंकि इसमें ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला बीच में रहेगा भाई मस्त जीरो है जीरो तो अपने पे प्राउड ऐसे ही करता है क्योंकि माइनस से ज़्यादा है पर घमंड भी नहीं करता है क्यों क्योंकि वो पॉजिटिव वालों से कम है ठीक है द प्रोडक्ट ऑप्टेंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल सो प्रोडक्ट ऑप्टेंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल के टू सी आर ओ फोर एच टू एस ओ फोर मीडियम में डायरेक्ट एनसीआरटी की रिएक्शन है अंडर रेटेड रिएक्शन है ध्यान देना केमिकल रिएक्शन में लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है जिंक डस्ट के नीचे वाली फिनॉल को मैं के टू सी आर टू ओ सेवन एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ठीक है कॉन्जुकेटेड डाई कीटोन का सिस्टम मिलता है कॉन्जुकेटेड डाई कीटोन का सिस्टम मिलता है जिसको मैं बेंज़ोक्विन ऑन बोलता हूँ बेंजोक्विन ऑन बोलता हूँ और वन कॉमा फोर ऑन ठीक है वन कॉमा फोर कैसे आया अरे वन टू थ्री फोर आया ना यार इसको दूसरा कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन डाई कीटोन भी बोलते हैं ठीक है ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है आएगा तो फोड़ देंगे यार टी डी वाई आर्मी है हमारी भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिडोन एंड इथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच सी एल ड्राई एच सी एल का काम का का क्या रहता है ये भी एनसीईआरटी में दिया है रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड तरीके से तेजी से बढ़ाना ड्राई एच सी एल का ये काम एनसीईआरटी का का में लाइन दी है तो कीटोन होता है कीटोन मतलब सी ओ पाई मेरे अंगने में तेरा क्या काम है कोई भी आर आर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये है ये कीटोन ग्रुप है इथाइलिन लाइकोल का स्ट्रक्चर ओ एच का मुंह इधर की तरफ कर लो और ये सी एच टू लिख लो ये सी एच टू लिख लो और ये ओ आर एच का मुंह इधर कर लो वाह सर वाह प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना सर अपने को तो क्या अपने को तो पानी निकालना है अपने को तो क्या है सर पानी निकालना है तो कीटोन का सी ओ पाई और ओ एच ओ एच का एच एच सही है कि नहीं रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है रिवर्सिबल रहती है इसीलिए ड्राई एच यूज़ करते हैं कि थोड़ा भैया आगे चले जा आगे प्रोडक्ट मिल जाए सो so, हमें क्या मिलेगा कीटोन अपनी मर्जी का ठीक है यहाँ पे ओ जुड़ जाएगा यहाँ ओ जुड़ जाएगा ये सी एच टू सी एच टू ठीक है इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल ये कौन सा प्रोडक्ट है एसिटल नहीं होगा एसिटोन में एसिटो एसिटल बनता है ये कीटल बनेगा तो इसका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल की टल सही है कि नहीं जाओ भाई खुश रहो कौन सा ऑप्शन है साइक्लिक कंपाउंड रहता है ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ते डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन कब होती है कि गिवन सिर्फ पहली बात तो क्राइटेरिया एकदम दिमाग में फिक्स रखो कैनिजारो लिखवा के आया था कि मैं एल के लिए काम करूंगा डिस्प्रपोशनेशन रिएक्शन होती है एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन दैट इज कैनिजारो रिएक्शन समझ आई बात वो कैनिजारो रिएक्शन होती है तो कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल आप, है एल्फा कार्बन ना हो तो कैनिजारो होगा जैसे एच सी एच ओ एल्फा कार्बन ही नहीं है या एल्फा कार्बन तो हो बट हाइड्रोजन ना हो तो कैनिजारो हो जैसे बंजालीडीडी के ऊपर सी एच ओ विल नॉट गिव नॉट गिव ये नॉट और द गि है ना ऑर्गेनिक खा जाता है मार्क्स तो गिव हो या नॉट गिव हो अच्छी तरह क्वेश्चन रीड करना मीथेनॉल मीथेनॉल मतलब फॉर्मेलिडी का ही नाम होता है एच सी एच ओ ब डी देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में ही बात हो गई बेंजिन सी एच ओ इथेनाल इथेनॉल सी एच थ्री सी ओ पाई एच इथेनाल अरे वाह सर आ गया आंसर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है देख लेना ट्राई एस ट्राई मिथाइल एसिड एल डी जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा बस ऐसे ही फॉर्मली बना रहे सी एम ई एम ई एम ई ठीक है एम ई एम ई एम ई सी ओ पाई एच ठीक है एल डी एट कीटोन में ना अल्फा कार्बन सी ओ पाई कार्बन नहीं होता याद रखना उससे एडजशन कार्बन अल्फा कार्बन होता है ये अल्फ़ा कार्बन नहीं है याद रखना एल्कोहल और एल एल्काइड नहीं वो होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो एल्फा एल डी एड कीटोन में नहीं होता उसके बगल अगल बगल वाले रहते हैं अगल बगल वाले रहते तो ये अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये भी कैनिजारो देगा ये भी देगा ये भी देगा ये नहीं देगा आगे बढ़ते नेक्स्ट Which of the following compound is not true for टॉलेंस reagent? Tollens टॉलेंस silver ammonical nitrate, अमोनिकल पता होना चाहिए practical दे के आए हो भैया मेहनत करी होगी practical में पूरे साल तो नहीं पर last class में तो करी होगी ऐसे दिखता है nitrate के साथ nitrate जब उड़ जाता है तो NH3 एच थ्री होल्टवाइ और ऊपर प्लस वन आ जाता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट ये टेस्ट किसके लिए रहता है सो so भैया ये हमारे एलडीआई के लिए रहता है क्यों एल के लिए रहता है क्योंकि सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट जो रहता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है LDI, को बहुत प्यार से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाता है है ठीक कार्बोक्टोन नहीं ले जा पाते उतने प्यार से उनके लिए ठीक है टॉलेंस रिएजेंट ओनली रिएक्ट विद कीटोन कंपाउंड ओनली रिएक्ट विद कीटोन कंपाउंड गलत बात है यार पहली बात गलत हो गई यही आंसर सही है गलत है पर सही है क्यों क्योंकि नॉट ट्रू बोला है नॉट ट्रू बोला है नॉट ट्रू टॉलेंस रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकेटेड अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कंपाउंड लिखा है नाम लिखा है स्ट्रक्चर सही है टॉलेंस रिएजेंट इज अ टेस्ट फॉर एलियड कंपाउंड्स ये भी बात सही है टॉलेंस टेस्ट ए जी प्लस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट इज रिड्यूस टू ए जी बिल्कुल सही बात है इसीलिए आपको सिल्वर अपियरेंस दिखता है इसीलिए इस टेस्ट का दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट वाह सर वाह सब रिअवाइज हो गया एक ब्रह्मास्त्र में फेलिंग कवर किया था इस ब्रह्मास्त्र में टॉलेंस कवर किया था आपको भी सब कवर करना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन मैं बार बार ईथर्स की रिएक्शन को हर ब्रह्मास्त्र में हाईलाइट कर रहा हूँ आ सकती है ईथर्स बच्चे भी भूल जाते हैं सब लोग भूल जाते हैं और बोर्ड वाले पूछ लेते हैं ठीक है तो ये ईथर है ऑक्सीजन के इधर उधर कार्बन जुड़ा है तो ईथर है एच के प्रेजेंस में ऑक्सीजन किसी का साथ छोड़ेगा हमें पता ऑक्सीजन बेंजीन वाले कार्बन से जब जुड़ा रहेगा तो उसका साथ तो डायरेक्टली नहीं छोड़ेगा क्यों क्योंकि अगर वो इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा ना तो ऑक्सीजन तो माइनस ले जाएगा कार्बन की तो हिम्मत नहीं माइनस ले जाने की कार्बन प्लस ले जाएगा ना तो बेंजीन पे जब प्लस आता है ना तो इसे फिनाइल कैटायन बोलते हैं फिनाइल कैटायन और ऑर्गेनिक में ना फिनाइल कैटायन बनाना कार्बोकेटायन बनाना फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाना सबसे बड़ा पाप होता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है खतरनाक अनस्टेबल कोई आप ऐसा काम करोगे ही नहीं जिसमें आप अनस्टेबल हो तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स कैसे ऐसा काम कर सकते हैं वो भी तो वही काम करेंगे जिसमें उनको स्टेबिलिटी मिले तो फिनाइल कैटाइन कभी बनेगा नहीं सही है तो ऑक्सीजन इसका साथ नहीं छोड़ेगा ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ेगा किसी एक कार्बन का तो ऑक्सीजन को साथ छोड़ना है। याद है सी वन सी टू के नाम से हम जानते थे तो इसका साथ छोड़ा तो उसके साथ कौन चला जाएगा एच सी पे प्लस आएगा ऑक्सीजन अभी भी माइनस लेगा एच ओ के पास और आई इसके पास सो so, कंपाउंड क्या बन रहा होगा बेंजीन सी एच टू आई बेंजाइल पोजीशन पे आयोडीन जुड़ा है बेंजाइल याद है ना एस थ्री कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो उसको बेंजाइल कार्बन बोलते हैं उससे आयोडीन जुड़ा है बेंजाइल आयोडाइड बोलेंगे और फिनॉल बन रहा होगा बाई प्रोडक्ट में तो बेंजीन ओ एच बेंजीन ओ एच ढूंढो भाई ढूंढो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो तो ये बहुत अच्छा फैंसी में आई लिखा है बट ये आई है एल <laughs> नहीं है ठीक है डी आंसर इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोडक्ट ऑप्टेंड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलीन टोलिन पहले तो टॉलिन का स्ट्रक्चर देख लो ठीक है टोलिन मतलब बेंजिन सी एच थ्री मोनोक्लोरिनेशन मतलब X2 के साथ मतलब X मतलब हमें X पता है आपको भी अपनी X पता है हमें भी अपनी X पता है X2 Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में सो हमें पता है, हमें पता है हमेशा हेलोजिनेशन sp3 कार्बन पे होता है पूरे बेंजीन सारे कार्बन एस्पिट है एक इकलौता बेंजाइल कार्बन एस्पिथ्री है वहाँ पे एलोजन चला जाएगा वाह 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 तीनों चले जाएंगे नहीं मोनोक्लोरिनेशन बोला है ना तो एक ही जाएगा तो सी एल लिख देता हूँ मेरे को मेरी एक्स नहीं पता ना यार इसलिए बार बार एक्स ही लिखता हूँ मैं ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो ये मेरे को जो इंटरमीडिएट बना वो क्या मिला बेंजाइल क्लोराइड मिला क्या पता बेंजाइल क्लोराइड अब इसको हाइड्रोलाइसिस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एस एन वन का एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाटर के साथ एल्काइल एलाइट रिएक्शन करता है हेलोजन को बाहर ले जाता है और ओएच जाके जुड़ जाता है वह सर वाह ठीक है सी एच टू ओ एच मिल जाएगा सी एच टू ओ एच बेंजाइल पोजिशन अभी भी रही बट ओवच जाके जुड़ गया उसका नाम पड़ा बेंजाइल एल्कोहल तो आंसर विल बी बेंजाइल एल्कोहल बस इतनी ईजी है जितनी ईजी दिख रही है उससे ज्यादा ईजी रिएक्शन है बट हमें रिएक्शन प्रिपेयर होनी चाहिए रिएक्शन करनी ही करनी है ठीक है क्वेश्चन के फॉर्मेट में करो या थ्योरी के फॉर्मेट में करो उसको प्रिपेयर रखना है के एम एन ओ फोर के ओ एच के साथ पी रिएक्ट कर रहा है क्यों दे रहा है सोडा लाइम सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है थ्री टू वन एन एच और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है सोडा लाइम डी कार्बोक्साइजेशन के काम आता है आर है सी एच सी सी एल है सी एच सी सी एल जो रहता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रहता है एनआड्रेस ए एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में सब तो बता दिया बस अपने को करने का है बोला है पी एंड एस आर टोलिन पी एंड एस पी एंड एस आर टोलिन पी बी टॉलिन है और एस बी टोलिन है तो जहां से चालू कर रहे हैं वहीं खत्म हो रहा है तो बनाते भाई ठीक है थोड़ी जगह की बीच में आ गया ना ऑप्शन साइड में होता तो मजा आ जाता कोई नहीं थोड़ा तो नीचे नीचे दिख रहा हाँ, है हाँ दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा साइड में से ही बनाते हैं तो P जो है हमारा है वो बेंजीन के साथ सी एच थ्री है ये, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक की है सर ये के एम एन ओ फोर कहाँ आया तो कार्बोक्सिलिक में याद रखना रसोईया बना के देता है कुक सही है रूल था वन डिग्री हो या टू डिग्री हो एल्काइल ग्रुप है ना कुक में कन्वर्ट हो जाता है जिसका एसिडिफिकेशन करके बेंजोइक एसिड मिलता है बेंजोइक एसिड वो कुक वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए एनसीआरटी खोल के बैठो भाई सी ओ के ठीक है और उसका एसिडिफिकेशन कर लेंगे तो बेंजीन के ऊपर सी ओ एच हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ऐसे ही समझ आ जाना चाहिए था सोडा लाइम होगा ना तो कार्बोक्सिलिक होगा अगर बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन ये यूनिट के नाम से दे रखा है और एलकाइल बेंजीन में अपने पास मिथाइल है तो आ गया क्यों ढूंढना था क्यों आ गया बेंजोइक एसिड एकमात्र ऑप्शन है आगे क्यों बढ़ने का बेंजोइक एसिड को टिक करो ठीक है सर बढ़ने का है हमें देखना है सोडा लाइन में रिएक्शन कैसी होती है डी कार्बोक्साइजेशन में आप जो समझा रहे हो समझ आ रहा है तो अच्छी बात है एन और सी के साथ रिएक्शन कर रहे हो थ्री टू वन मिक्सचर में सोडा लाइम में तो हमें क्या होता है कि ध्यान देना ए आर ग्रुप हो या आर ग्रुप हो मैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक जब सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट होता है सोडा लाइम ए आर मतलब एरोमेटिक आर मतलब एलिफेटिक हो सिंपली ये इधर उठ के आ जाएगा आर एच के साथ जुड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक के एच के साथ या ए आर एच के साथ जुड़ जाएगा तो ए आर एच यानी बेंजीन या तो आर एच यानी कोई हाइड्रोकार्बन और बाई प्रोडक्ट में सी ओ टू निकलेगा पर वो सी ओ टू एन एच एक्सेस के साथ रिएक्ट करके नटू को थ्री बना देगा एन ए टू सी ओ थ्री बना देगा बस खत्म खत्म सर तो यहाँ पे क्या है ये बेंजीन एच के साथ जाके जुड़ जाएगा तो बेंजीन एच बेंजीन एच मतलब अरे एरोमेटिक कंपाउंड और एच फिनाइल एच फिनाइल एच को क्या बोलते हैं हम लोग बेंजीन ठीक है देखो वेरीफाई हो गया ऑप्शन बी मज़ा आ गया सर अंडर रेटेड रिएक्शन कुक कहाँ है कुक कहाँ है मिथाइल मिथाइल बेंजीन जब भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है रसोईया बनाता है कुक उसका एसिडिफिकेशन करके हमें बेंजोइक एसिड मिलता है ठीक है ये याद रखना प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन की यूनिट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एज द स्ट्रॉगे हाइएस्ट पी के पी के पी के ए पी के इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है एंड पीके इज इनवर्सली प्रपोशनल टू के वैल्यू यानी सबसे हाइएस्ट पूछा है यानी सबसे खराब एसेट ढूंढना है हमें ढूंढते अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखो तो सी ओ एच है सी एच टू है सी एच टू सी ओ एच है सी एच टू सी ओ एच है सी एच टू सीओ एच है अरे वाह सर सिर्फ हमें ये ग्रुप्स कंपेयर करना है एक ही पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है नजरों नजरों में ही खेल हो जाएगा भाई ठीक है एनओ टू माइनस एम इफेक्ट शो करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा सी एन उससे वो भी माइनस एम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा बट थोड़ा सा हल्का सा करेगा हल्का सा सही है कि नहीं फ्लोरीन सी एन से भी कम और एनो टू से भी कम करेगा बट माइनस आई माइनस एम इफेक्ट ही शो करेगा सी सिक्स एच फाइव एरोमेटिक वाले भी माइनस आई ही शो करते हैं बट वो हेलो इन भी कम रहते हैं तो सबसे कम माइनस आई सी सिक्स एच फाइव फिनाइल के केस में ठीक है सब्सिट्यूटेड में जब वो बेंजिन नहीं बोलेंगे फिनाइल बोलेंगे सी सिक्स एच फाइव माइनस आई सबसे कम माइनस आई सबसे लीस्ट गिवन कंपाउंड में से सी सिक्स एच फाइव का है. तो सबसे कम माइनस आई यानी माइनस आई के तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम पर पी के तो ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हाईएस्ट कौन होगा ऑप्शन डी ऐसे भी देखना आना चाहिए बोलना मत कि सिखाया नहीं था कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड ए और सी तो आप देखो तो सी एच सी सी एच ओ से स्टार्ट किया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन किया है हमें पता है कि एल जितने भी एल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अगर वो ग्रिगनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं सो so वो टू डिग्री एल्कोहल बनाते हैं कितने डिग्री टू डिग्री बना देंगे सर वैसे भी पूरे साल बनाने में तो हम एक्सपर्ट ही थे <laughs> बनाते बनाते ही तो यहाँ आया सर सी एच थ्री ओ एच यहाँ एच आ जाएगा और यहाँ सी एच थ्री आ जाएगा दिस विल बिकम अवर टू डिग्री एल्कोहल सी ओ पाई बॉन्ड तोड़ना होता है सी एच थ्री जो रहता है वो माइनस में रहता है ग्रिगनाड में एल्काइल ग्रुप माइनस में रहता है कार्बोनिल कार्बन से जाके ट्विंग करके जुड़ जाएगा ओपेएच चला जाएगा बात हो गई खत्म एच टू एस ओ फोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपने को तो क्या अपने को तो पानी निकालने का है सही है तो पानी कैसे निकालेंगे जिस कार्बन से ओ एच है, है वहाँ से एच इधर से इधर से कहीं से भी एच निकालो बात तो सेम रहे ही रहेगी तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्किन बन गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी ओ एच एड होगा बट एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एसिड कैटलाइस हाइड्रोलाइस में मार्कोनिक ऑफ रूल यूज होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यूज होता है हाइड्रोबोरेशन का सेटअप होता है बी टू एच सिक्स टी एच एफ के प्रेजेंस में फॉलोड बाई एच टू ओ टू एन एच के कंडीशन में या मजा आ गया सर ये रिएजेंट याद होने चाहिए अगर मान लो ये थ्योरी में बोर्ड की आ, बोर्ड के पी वाई क्यू में ये थ्योरी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए ठीक है सो हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता था जहां डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास ज्यादा एच हो वहां जाएगा एक्स या ओ एच एक्स एल्के्केलेट के केस में ओ एच एल्कोहल के केस में ज़्यादा इसके पास है तो सी एच थ्री और कम वाले पे एच चला जाएगा तो एक हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन और सी एच टू ओ एच हो गया सही है कि नहीं ये हमारा कंपाउंड हो गया ये सी हो गया हमने स्टार्ट कहाँ से किया था तो हमने स्टार्ट ए से किया था ठीक है ए से ए एंड सी आर वॉट दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है ओ एच ओ एच पोजिशन डिफरेंट है ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर फंक्शनल आइसोमर क तो कब होते हैं या फंक्शनल ग्रुप अलग होता है फंक्शनल ग्रुप अलग ही नहीं है सही है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप तो ओ एच ओ एच है पोजिशनल आइसोमर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिवस प्रोपेन अमाइन प्रोडक्ट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का शॉर्ट नेम बताया था हैप्पी बर्थडे एच बी डी हैप्पी बर्थडे ठीक है सेटअप क्या होता है बी आर टू एन एच के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बी आर टू एन एच के हैप्पी बर्थडे का काम पता है क्या होता है एक कार्बन कम देना मेन अमाइड ग्रुप से एक कार्बन कम का मेन अमाइड से एक कार्बन कम का अमाइन ग्रुप दे अमाइड से अमाइन अमाइड से अमाइन अमाइड से अमाइन अमाइड मतलब आर सी ओ पाई एन एच टू है जब आप एच बी डी रिएक्शन कर रहे हैप्पी बर्थडे सो ये आर एंड एन एच टू के पास भाग जाएगा यानी अमाइड में तो आर प्लस वन कार्बन थे बट जो मेरा अमाइन फॉर्म हुआ कौन से डिग्री का अमाइन हमेशा बनेगा वन डिग्री का वन डिग्री का जो अमाइन बना है ना उसके पास पेरेंट अमाइड से एक कार्बन कम है प्रोपेन अमाइन चाहिए अमाइड क्या रहा होगा प्रोपेन अमाइन में तीन कार्बन तो अमाइड में चार कार्बन और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी एक दो तीन चार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर खत्ता आगे बढ़ते ठीक है और ये ध्यान देना एच बी डी रिएक्शन आर भी दे सकता है और ए आर भी दे सकता है कोई मुंह माया नहीं है आर भी दे सकता है ए आर भी दे सकता है जीपीएस जी पी एस गेवरियल पैथेलमाइट सिंथेसिस उससे एरोमेटिक का नहीं बनता क्योंकि वो सब्सिट्यूशन का एग्जाम्पल होता है ये ब्रह्मास्त्र का ऑलरेडी सीरीज में हमने डिस्कस कर रखा है तो देख लेना एक बार जाके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन कंपाउंड ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तो बेसिक स्ट्रेंथ है ना अलग अलग केसेस में रहता है अगर हम सिंपली देखेंगे गैसियर स्टेट में देखेंगे तो वहाँ कोई सॉल्वेशन का सॉल्वेशन वर्ड याद रखना ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए 40 प्लस एम अगर आपको क्लिक कर रहे हैं ना तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज वीडियो देखते टाइम आपको चमकनी चाहिए सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होता है गैसियर स्टेट में तो सिंपल ऑर्डर रहता है गैसियर स्टेट में इंडक्टिव के वजह से थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री बट जैसे ही स्टेट आता है तो दो इफेक्ट क्यूमिलेटिव एक्ट करते हैं तो डोर इफेक्ट की वजह से ऑर्डर जो होता है वो टू वन थ्री भी बनता है टू वन थ्री कब बनता है जब एम ई एज अ सब्स्टिट्यूट रहता है और टू थ्री वन टू तो हमेशा लीड करेगा ये कब रहता है जब इथाइल इथाइल ग्रुप होता है मिथाइल इथाइल में भी वन थ्री आगे पीछे हो जाता है सी टू एच फाइव इथाइल है इथाइल है तो क्या हुआ सर टू तो हमेशा आगे रहेगा टू डिग्री अमाइन कहीं भी टू डिग्री अमाइन आगे है नहीं है तो पहला तो हमें ए को टिक कर देना ओ एम आर में मत टिक कर देना यहाँ टिक कर सकते हो बाकी देख लेने का एक बार उसके बाद वन डिग्री है इथाइल में वन डिग्री है इथाइल का वन डिग्री पीछे आता है थ्री से बट थ्री है कहाँ नहीं है सर फिर एनएच थ्री अमोनिया और यह होता है एनिलिन एनिलिन अमोनिया से पीछे होता है हमेशा पीछे होता है अमोनिया से भी कम बेसिक रहता है कम बेसिक रहने का सिंपल सा और मतलब है सर बेस अच्छा कौन जो लोन पैर दे सके बेस अच्छा कौन जो लोन पैर दे सके अभी हमने डी ब्लॉक का देखा था ना लेफ्ट टू तो राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन पकड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसीलिए लेफ्ट टू तो राइट मूवमेंट में एटॉमिक नंबर बढ़ने पे बेसिसिटी घट जाती है चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो या चाहे हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हो तो बेस अच्छे कौन होते हैं जो लोन पैर दे सके सर नाइट्रोजन का लोन पेर है ना दोगला है कोई आएगा ना एसिड तो ये बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं अभी लोन रेजोनेंस करने में बिजी हूँ बस वही बात खत्म हो जाएगी एसिड भी बोलेगा बात बेकार आदमी है ये सही है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर तो हमेशा याद रखना जो एनिलिन रहेगा ना एनिलिन बेंजीन के ऊपर एनएस वो हमेशा सबसे वीकेस्ट बेस होता है पूरी फैमिली ट्रेंड में सेकेंड लास्ट अमोनिया आता है टू वन थ्री टू थ्री वन में हमें आगे पीछे आगे पीछे मिथाइल इथाइल के बेसिस पे चेक करना रहता है सी एस थ्री सी ओ एन एच टू सी एस थ्री सी ओ एन एच टू अमाइड ग्रुप है हैप्पी बर्थडे रिएजेंट देख के तुरंत पता चल जाना चाहिए कौन कहाँ उठ के जाएगा सी एस थ्री एन एच टू के पास जाएगा सर मजा आ रही है सर अभी सब समझ आ रहा है ऑप्शन में आपको कमेंट में तुरंत बताना है सी एस सी एन एच टू आ गया प्राइमरी अमाइन हो गया यह भी रिएजेंट हमने ब्रह्मास्त्र के सीरीज में देख रखा है सी एच सी एल थ्री और के है हीट कर रहे हैं कार्बेल अमाइन टेस्ट के लिए यूज होता है कार्बेल अमाइन टेस्ट सही है कि नहीं फाउल स्मेलिंग कार्बेल अमाइन प्रोड्यूस करके देता है कार्बेल अमाइन टेस्ट हमेशा प्राइमरी या एरोमेटिक अमाइंस देते हैं और वो साइनाइड ग्रुप क्रिएट करके देते हैं सी एस थ्री एन सी ठीक है आइसोसाइनाइड नॉट साइनाइड माय मिस्टेक आइसोसाइनाइड या कार्बेल कार्बल कंपाउंड्स देते हैं ठीक है ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है इसको मैंने किसके साथ रिएक्शन करा ये हमारा वाई हो गया ये हमारा कौन हो गया एक्स हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एनसी का बॉन्ड टूटेगा एन को भी हाइड्रोजन बांट देगा और कार्बन को भी हाइड्रोजन बांट देगा जितना चाहिए उतना बढ़ जाएगा टेंशन नहीं लेने का एल आई एल एच फोर अगर अम, अमोनिया वाले अमाइंस वाले चैप्टर में आता है तो आपको नाइट्रोजन और कार्बन को हाइड्रोजन बांट ही देने का तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा सी एच थ्री एन एन के पास कितना हाइड्रोजन जाएंगे तीन ही बॉन्ड बना सकता है एक तो कार्बन कार्बन के पास तीन जाएंगे और एन के पास एक जाएगा यानी टू डिग्री अमाइन बनेगा कितने डिग्री का अमाइन बन जाएगा टू डिग्री अमाइन है कोई ऑप्शन ऐसा बी ऑप्शन हो गया सर खत्म आगे बढ़ते अमाइन टेस्ट याद होना चाहिए अमाइन टेस्ट याद होना चाहिए ठीक है फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग एवरियल पैथलमाइट सिंथेसिस इज यूज अभी अभी डिस्कस किया जी पी एस याद है बेंजीन सी ओ पाई सी ओ पाई और यहाँ पे एन एच रहता है के ओ एच के साथ रिएक्शन करते हैं सो so, जो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है जो हमारे काम का होता है सी ओ पाई एन माइनस और के प्लस ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पेथलामाइड बोलते हैं इसको नाम के साथ याद होना चाहिए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पेथलामाइड बोलते हैं सर मज़ा आ गई सर इसको रिएक्शन एल्कालाइट के साथ करते हैं SN2 टू रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल रहता है एस टू में हमें पता है सब्सटीट्यूशन का ही एग्ज़ाम्पल रहता है वन डिग्री बेस्ट रहता है सर ठीक है और बेंजीन से बेंजीन मतलब एरोमेटिक कभी नहीं बन सकता इसलिए हमेशा एलिफेटिक बनेगा एलिफेटिक में भी, भी कौन सा बनेगा प्राइमरी अमाइन सर वाह सब क्लियर हो गया आगे बढ़ते एनिलीन इज रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर विच प्रोडक्ट इज ऑप्टेड अच्छा एनिलीन को एच टू फोर के साथ रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन का पार्ट है ये ठीक है तो एनिलीन भैया को एच टू एस ओ और एनिलीन तो बेंजीन एन एच टू होता है ना एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एन एच टू एस ओ थ्री एच मिल जाता है ठीक है क्या नाम होता है इसका पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या दूसरा नाम भी है कमेंट में बताओ हैं वो नाम एन सी आर टी में भी मैंशन में कर रखा है जिसका so, नाम रहता है पैरा अमीनो बेंजिन कमेंट में बताओ भाई दूसरा नाम क्या रहता है बेंजिन सल्फोनिक एसिड नाम आने से नाम याद रहने चाहिए यार सबसे ईजीएस्ट चीज बोर्ड ये पूछ देगा नाम है स्ट्रक्चर बता दो लो नाम ही नहीं पता तो स्ट्रक्चर क्या बताओगे भाई तो पैरा अमीनो बेंजिन सल्फोनिक एसिड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट इस केस में होता क्या है क्योंकि H2SO4 में से H+ चला जाता है ना सो so, वो एनिलिनियम आयन बना देता है और एनिलिनियम आयन में मेटा प्रोडक्ट भी वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट होता था मेजर बनता था ऑर्थो से मेजर बनता था पैरा वाला तो 51 परसेंट रहता था तब भी वैल्यू के साथ बता रहा हूँ 51 परसेंट रहता था इसीलिए मैंने मेजर प्रोडक्ट दैट इज़ पैरा अमिनोबेंजिन सल्फोनिक एसिड को मार्क कर दिया है मेटा भी बनता था बट मेटा का प्रोपोर्शन पैरा से तो कम ही रहता था और मेटा बनने का कारण क्या होता था वो एच प्लस लेकर एनिलिनियम आयन बना देता था एनिलिनियम मतलब एनएच एन NH3 प्लस जो रहता है वो मेटा डायरेक्टिंग कौन सा डायरेक्टिंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवलीम सोल्ट बेनजिन डायोजोनियम सोल्ट एच बी एफ फोर फ्लोरोबोरेट बनेगा पहले तो फिर फ्लोरोबोरेट को फर्दर हीट करेंगे तो फ्लोरोन बनेगा उसी में अगर फ्लोरोबोरेट आयन में डायोजोनियम फ्लोरोबोरेट में अगर मैंने एन ए एनओ टू डाल दिया होता तो नाइट्रोबेंजिन बनता बस हो गया सर बट यहाँ तो एन एन ओ टू डाला नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा पहले तो बेंजिन डायोजोनियम क्लोराइड और फ्लोरोबेंजिन ऑप्शन डी इज़ द राइट right आंसर डायरेक्ट हो सकता है ऐसे ही टिक कर सकता हूँ भाई मैं टीचर हूँ कमेंट में आप बोल रहे हो स्लो पर भाई मेरे को आपको समझाना है केसेस बताना है यही तो छः सात पेपर है जो मैं आपके साथ कनेक्टेड हो सकता हूँ इसके बाद तो क्या है आप फ्री में फ्री ठीक है तो मुझे तो एक्सप्लेन करना है आपको तो बेंजीन एन एच टू हो गया मुझे भी स्लो पढ़ाने में मज़ा नहीं आती बट आपके लिए काम करना पड़ रहा है तो स्लो फास्ट ये पेस नहीं देखना है सुनना है समझना है सीखना है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड अगर मैं एच बी एफ फोर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ डायरेक्ट क्लोरोबेंजिन नहीं बनता है एन टू बी एफ फोर माइनस प्लस माइनस बेंजीन फ्लोरोबोरेट ये डायोजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है डायोजोनियम फ्लोरोबोरेट इसका नाम होता है ठीक है फ्लोरोबोरेट डायोजोनियम भी बोलते हैं फ्लोरोबोरेट डा में फ्लोरोबोरेट डायोजोनियम दे रखा है उसको मैंने हीट करना उसको मैंने हीट करना तो वो फ्लोरोबेंजीन दे देगा उसको मैंने एन ए टू के प्रेजेंस में हीट करना तो वो क्या दे देगा नाइट्रोबेंजीन सही है कि नहीं एक तीर से दो निशाने इंटरमीडिएट दोनों में फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम सॉल्ट ही रहता है सही है कि नहीं तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कैपिटल डी दो डी होते हैं एक स्मॉल डी एक बड़ा डी स्मॉल डी जो रहता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से होता है जो प्लेन ऑफ लाइट को राइट right साइड में रोटेट कर दे पर ये कैपिटल डी वैसा नहीं होता कैपिटल डी एकदम सिंपल रहता है मेन फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो इतना स्पीड में बोलूंगा तो क्या समझ आएगा कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे प्रॉपरली बताना है कि main functional group के respect में का का C1, C2, C3, C4 ये last chiral carbon है chiral है है? मतलब चारों अलग OH किस तरफ है? तो भैया OH OH right में में अगर OH right side में आता है तो प्लस डी कॉन्फिग्रेशन रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पे है सीओ पाई ऊपर सी नीचे सी ये कायरल है भी नहीं वैसे भी ये कायरल C1 वन ये C2 टू और ये C3 थ्री ये भी कायरल नहीं है लास्ट कायरल कार्बन का मेन फंक्शनल ग्रुप से नीचे की तरफ जाते थे नीचे देखो नीचे नीचे ही देखना है ऊपर मत देखना ओ एच राइट साइड में प्रेजेंट है तो यानी प्लस डी रहेगा बस यहाँ तो यही सी एच ओ एक ही है ओ एच प्लस डी अरे वाह तीनों के तीनों प्लस डी है पहला ऑप्शन ही सही है ठीक है तो प्लस डी और स्मॉल डी में कंफ्यूज मत होना स्मॉल डी इज फॉर ऑप्टिकल रोटेशन एक्टिविटी दैट इज प्लेन ऑफ लाइट जो है सीधी 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 आ रही है उसको राइट में कर दे तो प्लस डी स्मॉल वाला और लेफ्ट में कर दे तो लीवो स्मॉल में राइट में कर दे तो डेक्स्ट बट ये कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग कॉन्फिग्रेशन रहता है स्ट्रक्चर ऑफ डाई सेक्राइट फॉर्मड बाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन इन मोनोसेक्राइड यूनिट सो हमें पता रहता है कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है कि ये जो रहेगा ग्लूकोज रहता है एल्डोहेक्जोज रहता है ग्लूकोज इज एल्डोहेक्ग्जोज ग्लूकोज इज एल्डोहेक्जोज एंड फ्रुक्टोज जो रहता है वो कीटोहेक्जोज रहता है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये फंक्शनल ग्रुप फ्रुक्टोज का है ठीक है और ये फंक्शनल ग्रुप जो ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का दे रखा है सो so, अभी हमें मार्क करना है कि ए डैश तो ये ए डैश ये ए डैश मतलब ए डैश नहीं है ए है सो ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज हाँ तो दिस इज करेक्ट दिस इज ग्लूकोज ठीक है एंड दिस इज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज होता क्या है बेटा तो फ्रुक्टोज इज नथिंग बट कीटो कीटो कीटोहेक्ग्जोज ठीक है और ग्लूकोज uh, जो रहता है वो क्या होता है एल्डो एल्डोहेक्ग्जोज एग्जोज ठीक है सो ए कार्बन इज ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन इज ऑफ फ्रुक्टोज सही है कि नहीं बस उनके अलॉन्ग ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और वो डाइसेकर बनाते हैं क्या बनाते हैं डाईसेकर डन आगे देखते हैं ग्रेप शुगर इज तो ग्रेप शुगर क्या होता है डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन है ग्लूकोज का फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्रेप शुगर इज नथिंग बट ग्लूकोज ग्लूकोज लास्ट क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सिक्स का विच रिएक्शन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सी पाई एच इन द गुकोज ग्रुप तो सी ओ पाई एच जो रहता है उसका ग्लूकोज का प्रेजेंस जो रहता है वो रिएक्शन किससे कन्फर्म होती है इट इज़ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सेल अमाइन हाइड्रोक्साइल अमाइन मतलब सी ओ पाई एन एच टू ओ एच ऐसे हम मैंशन कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज हाइड्रोक्साइड अमाइन ये हमने ऑलरेडी एल डी आईड कीटोन्स में अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के फॉर्म में पड़ रखा है अपने को तो क्या है पानी निकालना है सी ओ पाई में से ओ और नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन दो चला जाएगा और वो क्या बना देगा यहाँ पे एन आके जुड़ जाएगा और ओ एच एंड दिस प्रोडक्ट इज ओनली नोन एज ऑक्साइम ठीक है सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्साइड अमाइन ओनली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सी ओ पाई एन सी आर डी की डायरेक्ट लाइन है बट क्वेश्चन कैसे आएगा तो ऐसा आएगा सही है तो यही हमारा ब्रह्मास्त्र सिक्स ओवर होता है आई होप कुछ ही दिन बचे हैं एक ही दिन या दो ही दिन बचे हैं ठीक है ठीके? आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हंड्रेड मार्क का वावा जोड़ू का इंग्लिश मीडियम का सेशन आएगा उससे पहले आपका जो सबसे पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ले क्योंकि तो स्पीड उधर बहुत ही हाई रहेगी हमें वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकैप करना होगा फास्ट रिवीजन मोड में ठीक है चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ठीक है इंग्लिश मीडियम के कंटेंट के लिए सो मिलते हैं बाय थैंक यू